इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो बेसिकली इसको हकीम सादुल्ला खान ने बनाया था। हकीम सादुल्ला खान बेसिकली पहले लाहौर में रहा करते थे, वो रहते थे मस्जिद वज़ीर ख़ान के करीब। तो जब वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ये मस्जिद बनाई और इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो डिज़ाइन है जो मस्जिद लाहौर में है मस्जिद वज़ीर ख़ान उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ से फिर वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक और मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद, जिसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बिल्कुल शाही मस्जिद के जैसा है और वज़ीर ख़ान मस्जिद के जैसा है। सो बेसिकली यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि हकीम सादुल्ला खान ने इसको बिल्ट इन कराया, जिसको 9 साल लगे तामीर कराने में। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिक डेट्स आपको बताऊं तो बेसिकली 1946 से 1955 तक ये जो मस्जिद है तामीर की गई और उसके बाद इतनी खूबसूरत मस्जिद जो कि आज भी कह लें कि कदीम जितने भी हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हैं उनको आज भी नमूना हमारे सामने है और अभी हम इसको देखेंगे भी मज़ीद और इसकी जितनी भी अंदर से चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जितनी खूबसूरत ये जगह है आज का मौसम भी उतना खूबसूरत हो गया एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था कि हो सकता है बारिश हो जाए तो बारिश फाइनली होगी और आई जस्ट होप कि अब बारिश के मौसम में ना हमें ज़्यादा मज़ा आएगा जगह एक्सप्लोर करने का। और बारिश की वजह से चूँकि आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद की जो ईंटें हैं वो लाल हैं और जब इन पर बारिश के कतरे और बारिश पड़ती है ना तो इनका कलर भी और इन्हेंस हो जाता है और कलर इन्हेंस होने के साथ साथ खुशबू एक ख़ास किस्म की ईंटों से आना शुरू हो जाती है दैट आई कुड फील राइट नाउ एज वेल। सो अभी मस्जिद तो जनाब यहाँ पे हमारी एक्सप्लोर हो गई, हमने इसको पूरा बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। अभी चलते हैं शहर की जानिब, शहर में देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर, लेट्स गो।